दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा पीडीएफ फाइल है जिसमें आपको कुछ एडिट करना है और उसको एडिट करने के लिए आप पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर सॉफ्टवेयर को ढूंढ रहे हैं, फिर दोस्तों आप रुक जाइए। आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी कन्वर्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए भी कर सकते हैं। बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को बहुत ही आसानी से एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं। ये कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं मेरे पास ये दो पीडीएफ फाइल है। मैंने यहाँ पे दो पीडीएफ फाइल इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके का टेक्स्ट है। पहले में प्लेन नोट्स है और दूसरे में टेबल है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले वाले में प्लेन नोट्स है और यहाँ पे दूसरे वाले में टेबल है। अब अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह के पीडीएफ फाइल को, मैंने यहाँ पे जानबूझकर दोनों तरीके का इसलिए लिया ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट न रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के पीडीएफ फाइल को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है ताकि आप उस पीडीएफ फाइल में एडिट कर सकें, तो उसके लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2019 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2019 इंस्टॉल है तो उसमें एमएस वर्ड भी होगा, तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में ऑफिस 2019 इंस्टॉल नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको यहाँ पे वर्ड को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ लैपटॉप में फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो पहले मैं प्लेन नोट्स वाले पीडीएफ फाइल को यहाँ से लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एमएस वर्ड की तरफ से ये मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड में आप यहाँ पे देखेंगे वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसमें आप यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एडिट आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अगर आपको इसको दोबारा पीडीएफ में सेव करना है तो दोबारा से आप इसको यहाँ से पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, ये करिए और सिंपल सेलेक्ट करिए लोकेशन और यहाँ से आप उसको एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका कि अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है तो उसमें आप किसी भी तरह के पीडीएफ फाइल को कैसे एडिट करेंगे। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2019 इंस्टॉल नहीं है फिर आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले आपको अपने जीमेल को लॉगिन कर लेना है। जीमेल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए गूगल एप्स का आइकन आपको मिलेगा राइट टॉप में, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ड्राइव का, आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। गूगल ड्राइव ओपन हो जाने के बाद से आपको यहाँ नीचे साइड में राइट माउस क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड फाइल्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको अपने कंप्यूटर से उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एडिट करना चाहते हैं। तो अभी मैं ये दूसरा वाला ले लेता हूँ जिसमें टेबल था। ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ही सेकंड में वो पीडीएफ फाइल आपके गूगल ड्राइव में यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ फाइल मेरे गूगल ड्राइव में आकर सेव हो गया। गूगल ड्राइव में सेव करने के बाद अब आपको इस पीडीएफ फाइल पे राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ ये देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ, इस पे आना है और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल डॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने पीडीएफ फाइल को गूगल डॉक्स के साथ ओपन करना है। आपको पता ही होगा गूगल डॉक्स गूगल का एक प्रोडक्ट है, जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मिलता है वैसे ही गूगल डॉक्स में आपको डॉक्स मिलता है, शीट मिलता है, फॉर्म्स मिलता है। तो यहाँ पे देखिए वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे गूगल डॉक्स में ओपन हो गया। अब अगर इसमें आप किसी भी तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपको देखिए यहाँ पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ,
ऐसे कोई भी एडिटिंग आप यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां पे एडिट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको एज अ एमएस वर्ड में डाउनलोड करना चाहते हैं उसके बाद एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे देखिए लेफ्ट टॉप में फाइल पे आपको क्लिक करना है, यहां पे आपको देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे अपने माउस को लाना है और यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। अगर आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं एडिट करने के बाद तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया और यहां पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड हो गया। अब इस पे डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे देखिए मेरे वर्ड में यहां पे ओपन हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये एमएस वर्ड में ओपन हो गया। अब इसमें ऊपर यहां पे इनेबल एडिटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप इसमें किसी भी तरह का एडिट करना चाहते हैं यहां से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप चाहे तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, आप चाहे तो वर्ड में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद से आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर YouTube पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।